एक बार नारद जी यमराज से मिलने के लिए यमलोक पर पधारे हैं। नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार करते हैं और उन्हें पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, आपके यमलोक आने से मैं धन्य हुआ हूँ। कृपया आप मुझे बताएं, आज आपका यमलोक आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार आप लेकर आए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तब देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक आप सभी प्राणियों के बारे में जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। धर्मराज कहते हैं, नारद जी, किंतु मैं आपके मन की बात को नहीं जान सकता, वह तो केवल भगवान विष्णु ही जान सकते हैं। आपका मन तो अत्यंत चंचल है, आपके मन में क्या रहस्य होता है उसे जानना हमसे नहीं हो पाएगा। फिर भी कृपया आपके मन में जो भी बात है आप बेझिझक कह सकते हैं। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, मैं आपके पास कोई समाचार लेकर तो नहीं आया हूँ, किंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे पूछने के लिए ही आया। समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही मैं आपके पास आया हूँ, कृपया आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए। तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी द्विधा हो, जो भी प्रश्न अथवा शंका हो, आप अवश्य पूछिए। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास अवश्य ही करूँगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, मेरा प्रश्न अत्यंत सरल है, आप मृत्यु के देवता हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आपके अलावा भला दूसरा कौन दे पाएगा। हे धर्मराज, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्राणी की मृत्यु होती है वो अपने साथ कौन कौन सी चीजें ले जाता है और मृत्यु के बाद से उस प्राणी की कौन सी वस्तुओं का प्रयोग दूसरे मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। इस पर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। मानव जाति के कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपको एक अत्यंत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को आप ध्यान से अवश्य सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य ध्यान से सुनता है उसके मैं 32 अपराध क्षमा करता हूँ। फिर देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, ठीक है, मैं उस कथा को पूरे ध्यान से अवश्य सुनूंगा, आप मुझे वो पवित्र कथा सुनाइए। फिर यमराज देवर्षि नारद को वो महान कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में मनोहर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गुणवान तथा शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा चलाता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते वह एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि उस वृक्ष पर तीन पिशाच खड़े हुए हैं। वे तीनों उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता है तो वे उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। जब वो ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वो पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है, सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा, इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। ये ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसीलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े और कृमि भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। जब वो ब्राह्मण उन पिशाच को देखता है तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त होता है और वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता, इसीलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाच को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाच की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है, हे पिशाच, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन है और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा, बड़े ब्रे शूरवीर योद्धा भी हम पिशाच को देखकर थर थर कांपने लगते हैं, हमें देखकर डर कर भागने लगते हैं, किंतु तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले
थे। फिर वो ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान हमेशा मेरे साथ है और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाच के द्वारा ही होनी है तो मुझे ये भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है मुझे वो मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसीलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर है, जिसे सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मेरा नाम मनोहर है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं तो आप अवश्य कहें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच सुन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम तीनों पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। ना जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमें मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमें अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों को और प्राणियों को हमने मारकर खाया है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण कहते हैं, हे पिशाच, मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं मध्य देश में रहने वाला मनोहर ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक तप व्रत और उपवास किए हैं, इसीलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाच को समझ में आता है कि यह ब्राह्मण तो उनका का ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा पर दादा है, जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, हम हमेशा ही ऊंची वस्त्र पहनते थे, गंदे मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन पूजा पाठ आदि कार्य किया करते थे। हमने हमेशा ही ऊंची भोजन ही ग्रहण किया है, इसी कारण से हमारी ये दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया, इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, तुम हमारे ही वंश से हो, हम तुम्हारे पूर्वज है। यह ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाओ। हे वत्स, तुम अभी जाओ, हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वो ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का ये निहित कर्म है कि वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वो ब्राह्मण उन पिशाच को वचन देता है और कहता है, हे प्रेतो, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वो ब्राह्मण मुनि अग के पास जाता है और उन्हें पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। मुनि अगस्त्य उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान, दान धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं और फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वे सभी कार्य करता है जो मुनि अगस्त्य ने बताए हुए होते हैं। वह पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण कर करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंड दान करता है और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण तथा दान धर्म करने से वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर धर्मराज देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, इसीलिए मनुष्य को कभी ऊंची वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कभी ऊंची भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरों का झूठा जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा लंग गया तथा पितरों को अर्पण किए बिना किया गया भोजन उचिष्ट भोजन होता है। देवर्षि, अब मैं आपको उन वस्तुओं के बारे में बताता हूं जो किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति की नहीं पहननी चाहिए। हे देवर्षि, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह
में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तु के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है, और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी उसकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती है जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वह आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर ना जाकर इसी मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को ही परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गला कर अन्य आभूषण करवा लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी वस्तु है मृत व्यक्ति की माला। जीवित रहते हुए इंसान अपनी माला से ही मंत्रों का जाप करता है। उसके गले का माला ही उसके जीवन भर के पुण्यम की कुंजी जी होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की माला को कभी जीवित मनुष्य को धारण नहीं करना चाहिए। उसकी माला को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पवित्र नदी उस मृत मनुष्य को सभी पुण्यम को बहाकर स्वर्ग में ले जाती है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल अपने पाप और पुण्य लेकर जाता है, सभी भौतिक वस्तुओं को यहीं पर छोड़ देता है। इसीलिए उसे कभी उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यमराज ने नारद जी को मृत व्यक्ति के संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है।